गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन सम पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 12। नाउ टुडे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि हमने वहाँ तक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे जो कि रीजनिंग और लॉजिकल बेस्ड थे। अब आगे की तरफ आते हैं, जो बचे हुए उसके पार्ट हैं। आप क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर 5, फिल द मिसिंग नंबर। ये सर्कल बने हुए हैं, इनमें मिसिंग नंबर फिल करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 0321, 2410, 322, और ये क्वेश्चन मार्क है, और 4221। तो हमें यहाँ पे क्या है, मिसिंग नंबर ढूंढना है। हमें क्या, सिक्वेंस और सीरीज देखना है, किस सीरीज में मैच कर रही है, किस टर्न में मैच हो रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। देखिए जैसे हमने एक चीज़ यहाँ देखा कि जो बॉक्स के इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर आप उनको सबको ऐड करके देखिए क्या होता है। हम देखते हैं 3, 2, 5, 1, 6, इस सर्कल में 6 हो रहा है। 4, 2, 6 प्लस 7, ये 7 हो रहा है। यहाँ पे अभी ये मिसिंग है, छोड़ देते हैं इसको। देखते हैं 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, यानी ये हो रहा है 6, ये हो रहा है 7, ये हो रहा है 9, इसका मतलब ये होना चाहिए टोटल इसका 8। तो 3, 2, 5 और 2, 7, एट करने के लिए आपको यहाँ पे मिसिंग प्लेस की जगह क्या आपको लिखना पड़ेगा, 1। तो 1 लिख देंगे इस तरीके से, ये 8 हो जाएगा। यानी इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपको पूरे के पूरे लॉजिकल बेस क्वेश्चन है। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, 4, 9, 5, 8, 2, 6, 9, 1 क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आप एक चीज ये देखिए कि जैसे ये दो नंबर हैं, तो इन दो नंबरों में आपको ये कुछ सिमिलरिटी ढूंढनी है। तो आप सिमिलरिटी ढूंढेंगे कैसे, ये चीज आपको देखना है यहाँ पे। तो आप एक चीज ये देखिए, ये जो फर्स्ट के दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो तीसरा नंबर है। जैसे 4 और 9, 4 9 में अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 और 9 में 9 बड़ी है, 9 से माइनस 4 करेंगे, डिफरेंस मीन्स माइनस। तो 4 में 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे 8, 2, 6 है, 8 से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो ऐसे 9 और 1 है तो माइनस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, तो 9 में से 1 आप माइनस करोगे क्या मिल जाएगा आपको, 8। तो ये क्वेश्चन वाला मार्क है, यहाँ पे रखना है आपको 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बॉक्स है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ फिल करना है 2, 6, 14, 30, यहाँ पे फिल करना है आपको। तो मैंने देखा एक सीरीज में, ये देखिए 2 में ये क्या है, कितना ऐड कर रहे हैं, हमारा 6 आ रहा है, ये 14 आ रही है, यानी 6 में आप 2 माइनस कीजिए 4, 14 में 6 माइनस कीजिए 8, यानी इन दोनों को आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ आपको मिल रहा है 4, इन दोनों को आप माइनस कर रहे हैं यहाँ पे मिल रहा है 8, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 16। इन दोनों को माइनस करने पर देखिए आप, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 2 जा कितना होना चाहिए, 32, यानी इन दोनों डिजिट को माइनस करने पे 32 आना चाहिए। यानी कि यहाँ कौन सा नंबर है, दोनों को आप प्लस कर दीजिए वो नंबर, यानी 62। इस तरीके से ये हमारा ये क्वेश्चन लॉजिकल बेस था, आपको ढूंढना है लॉजिक के कहाँ पे क्या हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल के अंदर आप देखिए 4, 10, 22, 3, 8, 18 और 5, 12 क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ करना क्या, ढूंढना है सीरीज। हमने देखा यहाँ पे कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो देखिए है 10, 8, 12, तो हमने देखा यहाँ 8 है, बीच वाला आप ट्रायंगल देखिए, तो 8 में प्लस किया कितना, 2, तो 10 मिल गया। 8 में ये फिर इस 10 में प्लस 2 किया, 12 मिल गया इधर वाले इसमें। फिर इधर आते 3 में 1 ऐड किया, 4, 4 में 1 ऐड किया, 5, यानी 1 ऐड हो गया, 2 ऐड हो, इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे 18 में क्या ऐड कर रहा है, 22 मिल रहा है 4, तो 22 में क्या ऐड, 4 अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 26। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें देख के समझनी होंगी। यहाँ भी देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये एक ऐसे दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो हर बॉक्स में है सबको ऐड कर दिया। पहली वाली लाइन 4, 2, 6, 6, 9, 10, ये वाला 10 है। यहाँ देखते हैं 6, 5, 11 और 3, 14, ये 10 है, ये 14, ये देखते हैं 18, 10, 14, 18, उसके बाद क्या है, यानी 4, 4 का डिफरेंस है, यानी तो लास्ट वाला जो नंबर 18 बाद 4 जो आएगा वो 22। इस तरीके से आपको ये लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करने हैं।
इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 12 कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आपको मैथ सॉल्व करने हैं, आप थोड़ा सा केयरफुली आप सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली, बहुत ध्यानपूर्वक, तो आराम से पूरी मैथ सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।